प्राकृतिक सौंदर्यता का स्वरूप वनों में ही दिखाई देता है। वन हमारी प्राकृतिक धरोहर है जो हजारों वर्षों पूर्व से हमें प्राप्त हैं। वनों में जाकर के वहाँ का आनंद अद्भुत नज़ारा हमें बहुत ही आकर्षित करता है। ऐसा ही एक दृश्य जनपद चित्रकूट के मऊ तहसील अंतर्गत लालता रोड से लगभग 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में दशरथ घाट का है, जहां सैकड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं। क्षेत्रीय लोग यहां पर आकर के स्नान करते हैं, अपना भोजन बना करके यहां भोजन भी खाते हैं। यहां की कुछ कलाकृतियां हैं जैसे माँ गंगा की प्रतिमा और अति प्राचीन भाषा में कुछ लिखा गया है। लक्ष्मी नारायण भगवान की भी मूर्ति है जो अति प्राचीन है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता को तिलांजलि प्रदान की थी। पास ही में एक नदी बह रही है जिसका नाम सीतापान है। वहाँ की भी लोगों ने मान्यता बताई है कि इस नदी में माँ भगवती सीता ने जल का पान किया जो अति पावन है। हम आपको यही आपके दशरथ घाट में जो नदी प्रवाह होती है उसका नाम सीता पान है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि ये सीता जी द्वारा यहाँ पर जल पान किया गया था। वहाँ हजारों लोगों की आस्थाएँ, धार्मिक आस्थाएँ, लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने का महत्व है। आइए हम कुछ चर्चा करेंगे लोगों से क्या इनका महत्व है। तो यहाँ प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, प्राचीन काल की मूर्तियां भी आपको शिला में बनी हुई दिखेंगी। आप देखें स्पष्टता कि निश्चित रूप से गंगा जी की मूर्ति है यहाँ पर जो विद्यमान है, जो मगर पे आश्रित हैं। यहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। तो ये दशरथ घाट का आश्रम, इस आश्रम में काफ़ी प्राकृतिक संपदा है। संपदा को संरक्षित करना चाहिए, शासन को निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शासन और पर्यटन विभाग को इसमें विशेषकर ध्यान दे करके इसके संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फतेन केसरवानी है। केसरवानी जी, बताएं जो ये हम आज आपको दशरथ घाट में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर कितने पर्यटक आते हैं? यहाँ पे दिन प्रतिदिन दर्शक बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 300-400 डेली पर्यटक आते हैं जी। क्या यहाँ का महत्व है इस स्थान का? इस स्थान पे भगवान राम जब जंगल में आए हुए थे 14 वर्ष वनवास के लिए जी, तब अपने पिताजी को यहाँ पे तिलांजलि अर्पित किए हुए थे यहाँ से। तो यहाँ से ये पर्यटन स्थल जो है, यहाँ पर आने जाने के लिए संसाधनों की, सड़कों की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या समस्याएं होती है? व्यवस्था यहाँ पे रास्ते की है, जो भी पर्यटक आते हैं वो रास्ता नहीं उपलब्ध है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पर्यटक यहाँ बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। बाकी इस पर्यटक का विकास होना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। और पर्यटक कितने वर्षों से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं? मैं लगभग 10 वर्षों से जानता हूँ यहाँ पे और बराबर आ रहा हूँ। तो यहाँ जो पर्यटन स्थल है, इस स्थल में लोग खाना पीना भी बनाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंस गुप्ता है। कहाँ से आए हुए? हम भैया रीवा से हैं। तो यहाँ पर कैसा लगता है आपको? यहाँ पर मतलब यहाँ के चारों तरफ वातावरण देखते हुए हम यहाँ से लगा 3 साल से आ रहे हैं। हमको यहाँ के एक प्रकार से इतना अच्छा ही स्थान लगता है कि मन करता है कि एक यहीं घर बना लें, यहीं पर रहे। कौन सा स्थान है ये? ये है दशरथ घाट जी। अब यहाँ पूड़ियाँ छन रही हैं, लोग यहाँ पर बैठ करके इस आप दिखा के जाइएगा यहाँ के वातावरण का लोग आनंद उठाते हैं, लुप्त उठाते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक पर्यटन हब है। अगर शासन और पर्यटन विभाग अगर यहाँ पर निश्चित रूप से अगर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल ये साबित होगा। तो यहाँ जो है लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस दशरथ घाट में। क्या नाम है आपका? पवन कुमार मिश्रा। कहाँ से आए हुए हैं? हम आहिरी गांव से आए हुए हैं। ये कहाँ पर आए हुए हैं आप? ये दशरथ घाट। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद कैसा आपको महसूस हुआ, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ये क्या ये देखिए धाराएं बह रही हैं पानी की, पत्थरों के बीच से। हाँ, तो ये एक अच्छा पर्यटन स्थल है। बिल्कुल बिल्कुल।
क्या नाम है आपका? सत्यन त्रिपाठी। कहाँ से आए हुए हैं? बस यहीं से आए, बगल से मऊ से। मऊ से आए तो ये कौन सा स्थान है? दशरथ घाट। कैसा लगता है यहाँ पर आपको? यहाँ आने का बिल्कुल हिमालय, हिमालय की तरह बिल्कुल। तो ये अच्छा एक पर्यटन स्थल साबित हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साबित है ही। और इसको इसको बिल्कुल किया जाए, एकदम से गवर्नमेंट को इसकी एक अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, इसके लिए रोड बनवाई जाए, रोड की व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, ये सड़क, अच्छा सोच। सड़क से कितना दूर है ये? सड़क से लगभग की वही 1 किलोमीटर। कितना दूरी है मेन रोड से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर। वहाँ कोई सड़क वड़क नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। काफी दिक्कतें हो रही है? बिल्कुल, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। क्यों भाई, कहाँ से आए हैं? जी सर, मऊ से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? किसान केसरवानी। केसरवानी जी, ये बताइए यहाँ जब आप आए हैं इस स्थान में दशरथ घाट में, कैसा आपको लग रहा है, किस प्रकार प्रतीत हो रहा है? दिव्य स्थान है सर, बस लेकिन यहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था नहीं आने जाने की? कोई सड़क नहीं है, कोई आने जाने का साधन नहीं उपलब्ध है। अपने साधन से आप आइए तो आप पहुँच पाएंगे, फिर पैदल चलना पड़ेगा आपको। स्थान वाकई में दिव्य है। और बरसातों के समय, जब बरसात होती है उस समय में कैसे? बरसात में सर खेत से आना पड़ता है, खेत पूरा भीग जाता है, आने का रास्ता नहीं रहता है। पूरे वर्ष भर में लाखों की संख्या में यहाँ सैलानी आते हैं। क्षेत्रीय लोगों का यहाँ आवागमन अनवरत बना रहता है। बरसात के महीने में नदियाँ उफान में आती हैं, जिस कारण से यहाँ का आवागमन बाधित हो जाता है। पास ही बने हनुमान जी के मंदिर में यहाँ एक पुजारी रहकर उनकी सेवा करते हैं। आने जाने के साधनों के अभाव के चलते लोगों को यहाँ आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खड़ंजा रास्ता कुछ दूर तक बना है, उसके बाद खेतों की मिट्टी से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पर आने में लोगों को काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने आपको दशरथ घाट आश्रम भ्रमण कराया। अब मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।